प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन देशों की यात्रा के पहले चरण में पेरिस पहुंचकर फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांस्वा ओलांद और कारोबारी नेताओं से मुलाकात की। आपको बता दें कि इससे पहले पीएम मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। पहले चरण की यात्रा समाप्त करने के बाद मोदी जर्मनी जाएंगे, जहां उनकी व्यवस्थाओं में कारोबार एवं प्रौद्योगिकी से जुड़े विषय शामिल हैं और जिनका मकसद मेक इन इंडिया अभियान में हिस्सेदारी आकर्षित करना है। तीसरे चरण के दौरान मोदी कनाडा जाएंगे। यह पिछले 42 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली कनाडा यात्रा होगी। यूनेस्को में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यूनेस्को में संबोधन गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि यूनेस्को में समय के साथ प्रगति हुई है। दुनिया में शांति बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी है। भारत यूनेस्को का सम्मान करता है। हमारा लक्ष्य विश्व शांति का होना चाहिए। दुनिया को बेहतर बनाने के लिए यूनेस्को काम कर रहा है। हर बच्चे का विकास जरूरी है। हमें उज्जवल भविष्य सुनिश्चित करना होगा। मोदी ने कहा कि दुनिया में हर बच्चा शिक्षित हो और हर बच्चा हुनरमंद हो। हमारी संस्कृति में शिक्षा का अहम स्थान है। विकास तब होता है जब निचले तबके का विकास होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के शीर्ष उद्योगपतियों से मुलाकात की। मुलाकात का मकसद भारत में खासकर बुनियादी ढांचा और रक्षा क्षेत्र में फ्रांसीसी निवेश तथा प्रौद्योगिकी लाना है। चार दिवसीय यात्रा पर फ्रांस पहुंचे मोदी का लेस इनवेल्डिस में स्वागत किया गया। 7वीं सदी के महल लेस इनवेल्डिस के प्रांगण में उनका स्वागत किया गया। समारोह के बाद मोदी ने फ्रांस की उन प्रमुख कंपनियों के शीर्ष अधिकारियों के साथ एक के बाद एक दो बैठकें ली, जो मुख्य रूप से बुनियादी ढांचा तथा रक्षा क्षेत्र से जुड़ी थी। भारत मोदी के महत्वाकांक्षी मेक इन इंडिया अभियान में भागीदारी के जरिए ढांचागत और रक्षा क्षेत्रों में फ्रांसीसी निवेश तथा प्रौद्योगिकी हासिल करने को लेकर इच्छुक हैं। मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड माने जाने वाले जकीर उर रहमान लखवी को आदियाला जेल से आखिरकार रिहा कर दिया गया। आपको बता दें कि गुरुवार को लाहौर हाईकोर्ट ने लखवी की नजरबंदी को खत्म करते हुए उन्हें 10 लाख के दो जमानती मुचलकों पर रिहा करने का आदेश दिया था। लखवी पर भारत में 2008 में हुए मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड होने का आरोप है, जिसमें 166 लोगों की मौत हुई थी। भारत सरकार ने लखवी की रिहाई के फैसले को निराशाजनक बताया है। भारत ने पाकिस्तान से कहा था कि वो सुनिश्चित करे कि लखवी जैसे चमरबंदी जेल से बाहर न निकले। हाल ही में इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने लखवी को रिहा करने का आदेश दिया था, लेकिन पंजाब सरकार ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के कानून के तहत लखवी की नजरबंदी को जारी रखने का फैसला किया था। किसानों की मौत का सिलसिला लगातार जारी है। अम्बाला और सफीदों में भी कर्ज और बर्बाद फसल की वजह से एक किसान की मौत हो गई। अम्बाला का जसपुर निवासी संजीव फसलों के नुकसान की वजह से मानसिक तनाव से गुजर रहा था। मृतक की पत्नी ने बताया कि हाल ही में बेटी की शादी की थी, जिसके बाद उनके ऊपर भारी कर्ज था और अब बारिश और ओलावृष्टि की वजह से उनकी आखिरी उम्मीद भी पूरी तरीके से बर्बाद हो गई। आपको बता दें, इस मामले के बाद प्रदेश में किसानों की मौत की संख्या 8 हो चुकी है। चंडीगढ़ हरियाणा सचिवालय में कंप्यूटर टीचर्स ने एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव राकेश गुप्ता से मुलाकात की। कंप्यूटर टीचर्स ने एक बार फिर राकेश गुप्ता के समक्ष शिक्षा विभाग में खाली पड़े 3,335 पदों में कंप्यूटर टीचर्स को एडजस्ट करने की मांग रखी है। हालांकि राकेश गुप्ता ने कंप्यूटर टीचर्स को आश्वासन दिया है कि वह शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों से इस बारे में विचार विमर्श करेंगे। उसके बाद 17 अप्रैल को शिक्षा विभाग और कंप्यूटर टीचर्स की बैठक कराई जाएगी, जिसमें यह फैसला लिया जा सकता है। अम्बाला में निजी यूनिवर्सिटी में रीडिस्कवरिंग द सिटीज कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर राज्यपाल कप्तान सिंह सोलंकी ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। कार्यक्रम का शुभारंभ कप्तान सिंह सोलंकी ने दीप प्रज्वलित करके किया। इस दौरान सोलंकी ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि आज लोगों को स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत और प्रदूषण मुक्त भारत की जरूरत है। राज्यपाल ने उम्मीद जताई कि जल्द ही संसद में राइट टू हेल्थ अधिनियम भी पास होगा। और इसलिए राइट टू हेल्थ भी हर एक को मिलना चाहिए और हो सकता है कुछ वर्षों के बाद पार्लियामेंट के कानून पास कर दे। राइट टू हेल्थ एंड राइट टू वाटर, प्रदूषण भारत, प्रदूषण मुक्त भारत। सोहना में एसडीएम के आदेश पर सब्जी मंडी में नाले पर बनी दुकानों पर पीला फंजा चलाया गया। दुकानदारों ने इसका विरोध भी किया, लेकिन पुलिस बल को देखते हुए दुकानदार पीछे हट गए। मार्केट कमेटी सचिव की माने तो किसानों को राहत देने के लिए मार्केट कमेटी ने अतिक्रमण को हटाया है, जिससे ज्यादा से ज्यादा संख्या में जो किसान है वो अपना अनाज यहाँ रख सके।
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ गुड़गांव के ट्रांसपोर्टर लामबंद होने लगे हैं। आपको बता दें, एनजीटी ने दिल्ली में 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों पर पाबंदी लगा दी है, जिसको लेकर ट्रांसपोर्टर खासे परेशान हैं। हालांकि ट्रांसपोर्टर्स ने कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि वे लोगों की सेहत से खिलवाड़ नहीं करना चाहते, लेकिन कोर्ट के इस फैसले से लगभग 50% गाड़ियां प्रभावित होंगी। ऐसे में अब ट्रांसपोर्टर्स केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मिलकर कुछ और समय की मांग करेंगे। साथ ही एनजीटी में अपील कर अपनी समस्याओं का हवाला देते हुए कुछ और दिन का वक्त मांगेंगे, जिससे सभी गाड़ियां जो इस वक्त बाहर हैं वो अपनी जगह पर वापस लौट सके। ना कोई आदेश है गुड़गांव में हरियाणा के अंदर, ना कुछ। जो अखबार के हिसाब से हमने पढ़ा है उसमें यही है कि आज दिल्ली के बॉर्डरों पर पुलिस वालों को बैठाया जाएगा, वो आरसी को चेक करके अंदर जाने देंगे, जो भी 10 साल से अभाव की गाड़ियां हैं उनको बंद करेंगे। पर ऐसा हमने एनसीआर के लिए तो है, परंतु गुड़गांव में ये नहीं आया कि गुड़गांव में गाड़ियाँ बंद होंगी। तो हमारी ये मांग है कि हम प्रदूषण के खिलाफ हैं, यदि ये करना तो हम साथ देंगे गवर्नमेंट का, परंतु हमें कुछ टाइम दिया जाए। बेमौसम बरसात से फसलें खराब होने पर किसानों ने सरकार से गिरदावरी और मुआवजे की मांग तो की, लेकिन सरकार की तरफ से कोई सुनवाई न होने पर गुस्साए किसानों ने केंद्र की भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। साथ ही केंद्र सरकार के भूमि अधिग्रहण अध्यादेश को किसानों की बर्बादी का कारण भी ठहराया। कैथल में जिले भर के वन मजदूरों ने कई मांगों को लेकर वन विभाग के कार्यालय का घेराव कर जोरदार प्रदर्शन किया। वन मजदूर यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष करतार सिंह ने बताया कि वन विभाग में बिल प्रणाली खत्म करने और मस्टोलर सिस्टम लागू करने के लिए हाईकोर्ट भी आदेश दे चुका है, लेकिन विभाग कोर्ट के आदेश पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर इस सरकार ने 27 अप्रैल तक उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो सभी सर्कल विभाग पर धरने प्रदर्शन किए जाएंगे और 23 जून को वन मंत्री कैप्टन अभिमन्यु के रोहतक स्थित आवास का भी घेराव किया जाएगा। हरियाणा परिवहन कर्मचारी संघ संबंधित भारतीय मजदूर संघ 1342 को मान्यता मिल चुकी है। कुरुक्षेत्र में रोडवेज कर्मचारियों की बैठक हुई, जिसमें प्रदेश कार्यकारिणी के सभी सदस्य मौजूद रहे। बैठक में मजदूर संघ के अध्यक्ष आजाद सिंह मलिक ने बताया कि परिवहन मंत्री रामविलास शर्मा और सीएम खट्टर से बातचीत हुई है, जिसके बाद उनको मान्यता मिली है। इससे अब रोडवेज का निजीकरण नहीं होगा, बल्कि इसी साल रोडवेज के बेड़े में 1000 नई बसें भी शामिल की जाएंगी। झज्जर में किसानों ने अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया और जिला उपायुक्त को ज्ञापन भी सौंपा। किसानों ने सरकार और प्रशासन पर गिरदावरी के भेदभाव के आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार और प्रशासन अपने चहितों की गिरदावरी 100% करवा रहे हैं, जबकि अन्य किसानों को गिरदावरी में फसल का बहुत कम नुकसान दिखाया जा रहा है। साथ ही किसानों ने सरकार और प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि या तो सरकार इस भेदभाव को बंद कर सभी किसानों को सही ढंग से गिरदावरी करे, नहीं तो वे बड़ा आंदोलन करेंगे। सिर्फ हंगामे से नहीं होता मुद्दों का हल, शोर में दब जाता है सच। हर मुद्दे पर दीजिए अपनी राय, हम आपकी आवाज को बनाएंगे हरियाणा की आवाज। देखिए हरियाणा की आवाज सुबह 8 बजे और शाम